How to fix Axis FX Connect app not responding and black screen problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको इस ऐप में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का इशू है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों सॉल्यूशन कि कैसे आपको ये प्रॉब्लम फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कभी कभार हमारा जो ऐप है वो इस तरीके से मिसबिहेव करते हैं। तब दोस्त जब इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो हम ऐप को कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन होगा दोस्तों उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप हमें दोस्तों ट्विटर पे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, ठीक है, मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। उसके लिए आपको पावर बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, यहाँ पे है रिस्टार्ट बटन, तो आपको रिस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करके देखना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो ठीक है, अगर रिस्टार्ट के बाद भी वही प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जाइए दोस्तों अपने प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए FX कनेक्ट एक्सिस बैंक का। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है इस ऐप को। अपडेट करने से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपका ऐप मिसबिहेविंग प्रॉब्लम सॉल्व होगा, साथ ही साथ आपके ऐप में कोई बग है तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सारे साथ यहाँ पे आपको लेटेस्ट फीचर वगैरह भी इस ऐप का मिल जाएगा। तो अपडेट कीजिए ऐप को। अपडेट करने के बाद दोस्तों एक बार चेक करके देख लीजिए आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो दोस्तों अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको जाना है अपने सेटिंग पर। अपडेट करके देखिए, अगर अपडेट से काम नहीं बन रहा है तो सेटिंग पर जाइए। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐप एंड नोटिफिकेशन पे जाना है, एंड देन आपको सर्च करना है सी ऑल एप्स पर जाके आपको सर्च करना है एक्सिस का जो यहाँ पे जो ऐप है उसको सर्च करना है, ठीक है, FX कनेक्ट। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए, तो आ चुका है। इस ऐप को फोर्थ स्टॉप करते हुए स्टोरेज एंड कैश पर जाइए, क्लियर स्टोरेज कर दीजिए ऐप का, ठीक है। उसके बाद इसका परमिशन वगैरह आप दोस्तों अलाउ कर दीजिए, जैसे कि ये वाला परमिशन। उसके बाद बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको इसका मोबाइल डेटा एक्सेस वगैरह चेक कर लेना है, और उसके बाद जाके दोस्तों आपको यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद दोबारा से मोबाइल को रिस्टार्ट करके चेक कर लेना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो दोस्तों अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप प्ले स्टोर में जाइए, ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए। ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद आपको सेटिंग पर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम पर जाना है और सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जाइए प्ले स्टोर में और जाके आपको सिंपली ऐप जो है वो रीइंस्टॉल कर लेना है। तो अनइंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके ऐप को रीइंस्टॉल कीजिए। तो इस तरीके से आप एक्सिस FX कनेक्ट ऐप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।